Yes, sir. Sir, pot upon 10 ticks लिख देंगे. Minus pot लिखते. Yes. जो आप तो उसकी जगह हम नहीं कर रहे. को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं ना. जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? n pi प्लस अल्फा होता है. n pi प्लस अल्फा तो x इज इक्वल टू n pi प्लस 2x माइनस पाई बाय 2. x इक्वल टू n pi प्लस 2x माइनस पाई बाय 2. तो अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस x इज इक्वल टू n pi माइनस पाई बाय 2. तो x इक्वल टू माइनस n pi प्लस पाई बाय 2. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. n बिलोंग्स टू इंटीजर. कोई डाउट? नो सर. चलो क्या होता है अब बोलेगा ध्रुव. यस सर. साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 2x. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. कैसे करेंगे सर? हम cos 2x को sin के उसमें sin के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे. पाई बाय 2 माइनस. इसमें कोई डाउट है? नो सर. यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? 3x इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू पाई बाय 2 माइनस 2. माइनस 2. यस सर. यस सर. अब बच्चे इसमें दो केसेस बनाएंगे. ध्यान रखेंगे साइन वाले क्वेश्चन में जब भी माइनस 1 की पावर n है, n इज इवन यानी n इज इक्वल टू 2m पुट करो. क्या पुट करोगे? 2m. ओके सर. 2. 3x इज इक्वल टू 2m pi प्लस माइनस 1 की पावर 2m इंटू पाई बाय 2 माइनस 2. बच्चे माइनस 1 की पावर 2m जो होगा वो इवन होगा, पॉजिटिव आ जाएगा. यस सर, पॉजिटिव आ जाएगा. प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 तो आपका आ गया 5x इज इक्वल टू 2m pi प्लस पाई बाय 2. x की वैल्यू आ गई आपके पास 2m pi / 5 प्लस पाई बाय 10. बच्चे कोई डाउट है? नो सर. डाउट है? समझ आ गई बात? यस सर. अब n की वैल्यू अगर और रख देते तो n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 डाल देना. क्या डालोगे? 2m प्लस 1 सर. 2m माइनस 1 भी डाल सकते हैं. मर्जी, 2m माइनस 1 भी डाल. ओके सर. 3x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इनटू पाई प्लस माइनस 1 की पावर ऑड जो होगा माइनस 1 होगा इनटू पाई बाय 2 माइनस 2. कोई दिक्कत? नो सर. 2m प्लस 1 इनटू पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 2. यस सर. एनी डाउट? नो सर. सही है? यस सर, क्लियर. एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2m पाई प्लस पाई बाय 2. बच्चे कोई डाउट? नो सर. हर्षित? यस सर. सर ये जो आपने इवन और ऑड का बताया है ये सिर्फ हमारे साइन वाले केस में ही होगा ना? हाँ बच्चे, साइन वाले केस. ठीक है, ये बात समझ आ गई है? यस और नो? यस. यस सर, क्लियर. ठीक है. अमन, हर्षित? हर्षित? यस सर. हर्षित थोड़ी आवाज तेज बोलो बच्चे. सर अब आ रही है आवाज? बच्चे धीरे आ रही है बहुत ज्यादा. हर्षित आवाज आ रही है? सर अब आ रही है आवाज? हाँ बच्चे अब आ रही है. अब आ रही है. साइन टू एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स. हर्षित क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. जल्दी बता क्या करूं? सर कॉस को 90 माइनस एक्स लिख देंगे. अब क्या करूं सर? अब यस सर. अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो इसका आ जाएगा 2x equals n n pi. सर इसमें दो केसेस लेंगे ना? हाँ, n की वैल्यू 2m. 2m और दूसरी लेंगे 2m plus 1. बोलते जाओ बच्चे.
ओके सर, इसमें आएगा माइनस, हाँ बोलते जाओ। यस ये बात समझ आ गई इवन के लिए? यस सर आ गई। ऑड जब है तो क्या करें? 2n plus 1 तो आ जाएगा 2n equals 2n plus 1। सर ये अच्छा ठीक है सर। बच्चे हर्षित थोड़ी आवाज धीरे आ रही है फिर से। सर अब आ रही है? हाँ बच्चे आवाज आ रही है, अब आती है ढंग से। बात समझ आ गई है? यस सर आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हर्षित मैं तेरे से एक्सपेक्ट करता हूँ कि है ना तू बहुत जल्दी आंसर दे दे, ठीक है? इसीलिए मैं तेरे साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता हूँ। मेरे को पता है तेरा दिमाग अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करेगा ना तो तेरे तू बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, ठीक है? ओके सर। तो करता रहे, पढ़ाई अच्छे से करियो, है? चल। यस। अमन। यस सर। अमन अभी तक जो क्वेश्चन बताए समझ आ गए? यस सर। अमन अगर क्वेश्चन आता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाली फॉर्म दिखती है तो क्या करते हैं पहला स्टेप? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। थोड़ा याद रखना पीछे वाली एक्सरसाइज से था, ठीक है? चलो अब मेरे को ये बताओ, अगर क्वेश्चन आता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू आ रहा है, सही है? व्हाट शुड वी डू? किससे डिवाइड करना है LHS को? सर रूट टू से। तो रूट टू आ गया, रूट टू से डिवाइड कर दो। साइन एक्स बाय रूट टू या कॉस एक्स बाय रूट टू इज इक्वल टू वन आ जाएगा। बोलो कॉस पाई बाय फोर कॉस एक्स साइन पाई बाय फोर। बच्चे किसी का ये फॉर्मूला बनाते हो, साइन का या कोसाइन का, जो भी मन करे। ये बात समझ आ गई? यस सर। बच्चे x की वैल्यू समझ आ गई? n पाई प्लस माइनस वन की बार n पाई बाय टू माइनस पाई। इसमें ऑड और इवन वाला केस आपकी मर्जी है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। मैंने मना क्यों किया? क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में राइट साइड में x होता था, इसमें राइट साइड x नहीं है, इसीलिए हमने ऐसे भी छोड़ दिए। सर तो अगर ऐसा केस होगा तो हम कौन सा केस लेंगे, इवन लेंगे या ऑड लेंगे? दोनों ले सकते हो इसमें तो दोनों। n की वैल्यू आप मान के चेक कर लो, 2m डाल के कर लो, n की वैल्यू 2m प्लस 1 भी डाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर वो तो समझ आ गया, पर आपने कहा कोई भी कर दो तो हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव ले नेगेटिव ले मतलब? नहीं आपने कहा ना कि इसमें छोड़ना छोड़ दो, इसमें ऐसे ही छोड़ सकते हो। क्यों अच्छा, छोड़ सकते हैं? क्योंकि राइट साइड एक्स नहीं है। ओके सर ठीक है। चलो ध्रुव तुम बोल दो। यस सर। अगर आता है क्वेश्चन कॉसेक एक्स नहीं कॉसेक एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉट एक्स, क्या करें? स्क्वायर। हाँ सर ठीक है। आप इसको ऐसे लिखते हैं वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यस सर। वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वन, किससे डिवाइड करें? बताओ ध्रुव। हेलो हेलो सर, सुनाई दे रहे हैं सर? हाँ बच्चे अब सुनाई दे रहे हैं। सर मैं बोल रहा था पर सुनाई दे रहे। चलो कोई बात नहीं। जी कहता है हर्षिल है? यस सर। हर्षिल समझ आ गया? यस सर। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। x की वैल्यू निकालनी है बस और कुछ, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन निधि बोलेगी बच्चे? यस सर। निधि क्वेश्चन आता है बताओ कैसे करेंगे?
निधि, चलो कनिष्क, यस सर, कैसे करेंगे सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। क्या बच्चे? सर मेरे स्टार्टिंग क्लास में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मेरे को अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, वेदांत। यस सर। बता। थ्री एक्स को लिखते हैं सर, x प्लस टू एक्स तोड़ देंगे, तो इसे ऐसे लिखते हैं। बच्चे सॉल्व करना है, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई बहुत लंबी चौड़ी ट्रिक्स होती है, ठीक है? टैन वाले क्वेश्चन में क्या कॉमन आ रहा है वेदांत? वेदांत बताओ। अच्छा चलो, कौन? अर्णव है? यस सर। अर्णव अभी तक ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अर्णव इससे दो सॉल्यूशन आए, tan 2x is equal to minus tan x, सही है? यस सर। tan 2x पहले तो इसी को कर लेते हैं सॉल्व, tan minus x, tan minus x को क्या लिखेंगे? 2x equal to n pi minus n pi minus x, x equal to n pi, x equal to n pi by 3। कोई डाउट? नहीं सर। अब दूसरे वाले में क्या आया? 1 माइनस टैन 2x इंटू टैन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टैन 2x इंटू टैन एक्स। ये तो नीचे वाला तो सीधा ही जीरो कर दूं, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 टैन टैन 2x टैन एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम टैन 2x को लिखते हैं 2 टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर 1 माइनस टैन स्क्वायर x इनटू टैन x इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस टैन स्क्वायर x इज इक्वल टू टैन स्क्वायर x, तो 1 इज इक्वल टू 2 टैन स्क्वायर 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, सही है? यस सर। टैन स्क्वायर पाई बाय 4, x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, सही है? सर tan x आएगा ना 1 by root 2 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x आएगा ना? ओके सर, ठीक है, 1 by 2 आएगा ना, 1 by 2 को लिखते हैं 1 by root 2 का होल स्क्वायर। यस सर, यस सर, यस। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो अब हाँ बोलो सर, tan pi by 4 तो 1 होगा ना? हाँ tan pi by 4, अच्छा मैंने tan 1 by root 2 ना सर, ये फिर 1 by 2 को इक्वल हो जाएगा। अच्छा मैंने मैंने गलत लिख दिया ना, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लिख देते हैं tan tan pi by 4 था ना, तो इसको लिख देते tan square alpha लिख देते, तो ये x equals to n pi plus minus alpha where tan alpha is equals to कितना है? 1 by root 2, सही है कि नहीं? Yes, sir. अब ठीक है, मैंने कुछ गलत कर दिया। अच्छा अब इस एक्सरसाइज में ना जो सेवंथ क्वेश्चन और एट क्वेश्चन, एट सेवंथ से लेके टेंथ तक बच्चे, वो सारे के सारे बिना ट्राई किए हुए हम कर नहीं सकते, बिना ट्राई किए हुए हम कर नहीं सकते। आप बताओ कि ट्राई करना है कि क्या करना है? अगर आपने बोले सर को कर लेंगे। हाँ सर, ट्राई करने है। पहले खुद ट्राई करोगे कि मैं करवा दूँ? सर ट्राई करने है। सर आपने बोलो, सर आपने फोन से क्वेश्चन बोले थे। मैंने अब देखो, मैंने सिक्स्थ क्वेश्चन तक तो सारे करा दिए, सेवंथ से लेके टेंथ तक, एक बार खुद करेंगे, नहीं होंगे तो आपको भेज देंगे। नहीं बच्चे, चलो ठीक है, मेरी तरफ से ट्रिग्नोमेट्री खत्म है।
अब यू नीड डेज, अभी बोर्ड्स वाली ट्रिग्नोमेट्री खत्म, एंट्रेंस वाली नहीं खत्म, ये ध्यान रखना। एंट्रेंस वाली तो अभी इसका 20% भी नहीं हुई, ठीक है? यस सर। कब तक कर लोगे ट्राई, ये बताओ। अच्छा मेरे को टेस्ट कब दोगे आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, अब बता दो एक डेट। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।